अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। अगर आपने सीखना है कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलानी चाहिए तो ये वीडियो आपने एंड तक पूरी देखनी है। और अगर इस वीडियो पे आप जो प्रोसीजर हम बताएंगे उस पर ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में कामयाब हो गए, चैनल सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। तो सबसे पहले गाड़ी जिस तरह मैनुअल स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली आपने एक्सीलेटर दबा के यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करना है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपका लीवर है, इसको हम बोले क्लच, तो हम इसको गलत नहीं होगा, ये इसकी क्लच होती है, इसको दबा के आप गियर चेंज कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसको दबा के ब्रेक को दबा के रखना है, जैसे देख रहे हैं आप ब्रेक को दबाएं, अदरवाइज आपकी गाड़ी गियर चेंज नहीं करेगी। ऑटोमेटिक गाड़ी में ये एक फीचर होता है, जब गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, जब आपने किसी भी एक गियर पे कर देना है तो इन बिटवीन ट्रेवल आप चेंज नहीं कर सकते, गियर आपको दोबारा रोक कर ब्रेक दबा के चेंज करना होगा। सिंपली दबा के डी पे ले आएंगे, ठीक है। अभी गाड़ी आपको डैशबोर्ड में भी दिखा देगी, आपके पास डी आ रहा है मीटर में, यहाँ से भी आपका स्टीयरिंग डी हो गया, आपने कन्फर्म कर लेना है। आपने ब्रेक से पाँव नहीं हटाना, सिंपली आपने हैंड ब्रेक नीचे करनी है। अभी गाड़ी का जो आरपीएम है उसकी बेस पे गाड़ी ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आपको क्लच की जरूरत नहीं है, हमारा आपका लेफ्ट पाँव फ्री है, हल्का पाँव उठाएंगे गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो आपने सिंपली बस इसको यहाँ से कंट्रोल करना है, आपने इंडिकेटर लगाना है और आपने एक्सीलेटर देना स्टार्ट करना है। कहीं भी हमने गाड़ी रोकनी है तो सिंपली हमने ब्रेक दबाकर सेफ साइड पर गाड़ी रोक लेनी है, हमें कहीं गियर न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी रुक गई, पार्क करना है, दोबारा से क्लच दबा के पार्किंग में डालेंगे, आपकी गाड़ी का काम खत्म। कोई न्यूट्रल नहीं करना है, क्लच नहीं दबानी है, एक्सीलेटर नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिंपली एंड इजी सिंपल स्टेप। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।